हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू बेस्ट अप्रोच चैनल। आज हम लोग इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि मेंस में आया हुआ है। कब? 2019 12 एक 2019 शिफ्ट सेकंड पे, है ना। देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है बट है नहीं इतना। कैसे कर रहे हैं देखते हैं। एज इट इज एक बार क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 3x की पावर 13 प्लस 2x की पावर 11 अपॉन में 2x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 1 की होल पावर। ये कुछ क्वेश्चन बच्चों को डाउट आते हैं, बच्चे पूछते हैं तो उनका वीडियो सॉल्यूशन मांगते हैं बच्चे, तो इसलिए इन क्वेश्चंस पर हम लोग क्या करते हैं, वीडियो सॉल्यूशन बना बना के दे रहे हैं। तो अगर आप लोगों को भी लग रहा है कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है जिसका समझ नहीं आ रहा है टेक्स्ट में, आपको वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। इफ पॉसिबल तो हम लोग बना के देंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या करा बेटा, डिनोमिनेटर से एक्स की पावर 4 कॉमन ले लिया, ऊपर न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर से x की पावर जैसे ही 4 कॉमन ली तो x की पावर क्या आएगी बाहर 16, अंदर क्या बचेगा 2 प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय x की पावर 4 होल पावर dx। सही है बात। मैंने x की पावर 16 को क्या कर दिया, ऊपर न्यूमिनेटर में डिवाइड कर दिया, ऊपर बना 3 अपॉन x की पावर 3 प्लस 2 अपॉन x की पावर 5, अपॉन में क्या बनेगा 2 प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय x की पावर 4 होल पावर 4 dx। बात समझ आएगी इतने? हाँ भाई। तो अब तो मुझे लगता है साफ साफ दिख गया होगा। अब हम हमारा अगला स्टेप क्या होगा, 2 प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 को क्या पुट कर दिया भैया, dt। तो dt क्या आ जाएगा, 2 का डिफरेंशिएशन 0, 3 बाय एक्स स्क्वायर के क्या जाएगा माइनस 6 बाय एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 का क्या आ जाएगा माइनस 4 बाय एक्स की पावर 5 dx। तो देखो यहां से dt, मैंने माइनस 2 ऊपर से कॉमन लिया, माइनस 2 बाहर, 1 अपॉन एक्स क्यूब, सॉरी क्या बनेगा 3 अपॉन एक्स क्यूब, 3 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर 5 dx। तो माइनस dt बाय 2 की वैल्यू आ गई 3 बाय एक्स क्यूब प्लस 2 बाय एक्स की पावर। तो ये देखो है ना, इस ये पूरा का पूरा इसकी जगह क्या आ जाएगा भैया dt। तो हमारा क्वेश्चन किस में चेंज हो जाएगा, dt बाय माइनस माइनस 2 अपॉन में है, डिवाइड में क्या बनेगा भैया, ये क्या चीज है पूरी, ये पूरी को मैंने t माना था, डिवाइड में क्या बन जाएगा t की पावर 4, डिवाइड में आया t की पावर, तो माइनस 1 बाय 2 टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन सबको आता है, क्या बनेगा भैया टी की पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन में टी की पावर माइनस 4 प्लस 1। सही है। ठीक है, तो माइनस 4 प्लस प्लस तो माइनस 1 बाय 2 इंटू में टी की पावर माइनस 3 अपॉन में माइनस, ये माइनस से माइनस गया ये प्लस, तो ये बना 1 बाय 6 1 अपॉन टी क्यूब। टी की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, टी की वैल्यू है क्या देखते हैं हम लोग, टी की वैल्यू 2 प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर, टी की वैल्यू 1 अपॉन 2 प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे क्या है 1 बाय एक्स की पावर 4 की पावर प्लस, कितनी बार समझ आ गई, 1 बाय 6 एलसीएम ले रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना बेटा, एलसीएम ले रहा हूं, तो x की पावर 4 एलसीएम लेगा लूंगा तो क्या बनेगा 1 अपॉन 2 टाइम्स x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन में क्या आएगा x की पावर 12, x की पावर 12 क्या आ जाएगा बेटा प्लस, देखते हैं हमारा आंसर कौन सा मैच कर रहा है। हाँ भी, x की पावर 12 ऊपर होना चाहिए, तो x की पावर 12 ऊपर में सिर्फ दो ऑप्शन में आ रहा है, बी और सी में, तो साफ साफ दिख रहा है सी में जो है वो अपॉन में 6 है नहीं, और बी में अपॉन में 6 है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, बी इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, थैंक यू।